लाइव। नहीं दादा, दादा एक बार ना पायल बात करना चाहते, एक बार बात करना। हेलो पायल, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये लोग ना, ये लोग जैसे व्लॉग में दिखते हैं ना वैसे ही हैं। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरे को ना आपकी सारी मूवी बहुत अच्छी लगती है। सबसे अच्छी वास्तव लगती है, वास्तव में आपकी जो एक्टिंग है ना सच में बहुत सच में हुई है। एक मिनट मेरी बहन से भी बात करो। तुम्हारी बहन? हेलो, हाँ कौन बोल रहे है? सर मैं कृतिका मलिक बोल रही हूँ, पायल की सिस्टर। अरे तुम तो सौतन हो ना? नहीं नहीं मैं इसकी बहन हूँ, मतलब आप अभी जानती हो। अरे मैं तुम्हारा वीडियो देख रहा हूँ और मैंने क्या मतलब, ये आदमी दो शादी करके रह रहा है। जब मैंने दो शादी की तो मेरे पे पूरी मीडिया पीछे पड़ी है, तो मेरे को बस अच्छा लगा देखकर। आपको पता है मैंने आपकी मूवी देखी थी संजू शादी से ना। अरमान मेरे को तुम्हारा इंटीरियर डिजाइनर के बारे में का नंबर दो ना। उससे क्या करोगे दादा? अभी क्या है, तेरी दो शादी हुई है बराबर, तो मेरे को जानना है कि रात को तुम लोग सोते कैसे हो। सीक्रेट? हमने ना एक बहुत बड़ा बेड बनवा रखा है, हम पूरी फैमिली इसी पे सोते हैं। अरे वाह, तो अरमान बीच में रहता है बराबर? नहीं नहीं बीच में नहीं रहता दादा, मैं किसी साइड में सो जाता हूँ। कोई मतलब ऐसा है मंडे को मैं इधर सोऊंगा, ट्यूसडे को बीच में, वेडनेसडे को? नहीं वो चीजें खत्म हो चुकी है दादा, वो टाइम चला गया। अब तो मैं कहीं भी सोता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। और क्या तू एक के बाद एक लेकर आ रहा है यार शादी करके, ओ माय गॉड। हम लोग बोले वाओ। आगे मतलब नेक्स्ट 6 महीने में कुछ शेड्यूल में है कि और एक तीसरी शादी करनी है फिर चौथी? बाबा ये नहीं नहीं, ये दोनों बीवियां मुझे लटका देंगी। अच्छा, तो इसके लिए मेरे ख्याल से ना उसने दूसरी शादी की, क्योंकि तुम्हारी चॉइस ही गलत है। तुम बोलो कि मैं मेरे बेटे को मुन्ना भाई की तरह डॉक्टर बनाऊंगी क्या? संजू से मैंने यही सीखा कि अगर आपके अंदर जज्बा हो तो आपकी 308 गर्लफ्रेंड बन सकती है बराबर। बराबर या मेरे को लगता है अरमान ने बहुत सीरियसली ले लिया मेरी फिल्म संजू को। नहीं नहीं सर, उनकी गर्लफ्रेंड तो अब कोई नहीं है, बस दो वाइफ है। एक्टिंग करते हो कि सच में तुम्हारे झगड़े होते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारे सर बिल्कुल भी झगड़े नहीं होते, ये बस इंटरटेनमेंट का पार्ट होता है। लोगों को अच्छा लगता है कि हम लोग जब लड़ाई करते हैं ना तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो बस उनको हंसाने के चक्कर में हम लोग ऐसे करते हैं कि बस पब्लिक हंस पाए हम लोगों से। अच्छा काम करते हैं, तुम लोगों को बिग बॉस में जाना है क्या? अब भेज दो दादा, तीनों जाओगे? तीनों नहीं दादा, दो को तो घर में छोड़ूंगा ना, बच्चे पालेंगे मुझे भेज। नहीं अच्छा, तो अभी तू बिग बॉस में जाके तीसरे को पटेगा मतलब? सुन रही हो दोनों? अरे दोनों सुन रही हो? सुन रहे हैं सर, हम स्पीकर पे ही हैं। हाँ देखा इस आदमी के प्लान। हाँ। ये बिग बॉस जाके काम करो, ये संभालेंगे, चारों बच्चे हमें भेज दो कुछ टाइम बाद। अरे वाह, हम दोनों चलते हैं। हाँ तुम दोनों चले जाओ, मैं अभी सलमान से मैं बात करता हूँ। और किस किस को जाना है बिग बॉस में? मेरे को, पायल को और कृतिका। हाँ। पायल को और कृतिका को तो भैया बीवी के लिए कुर्बानी दे ही देंगे। अच्छा आप हमें ले चलो, चेंज कराएंगे। तो फिर तुम्हारा वो वीडियो का धंधा कैसे चलेगा? अरमान क्या करेगा घर पे? वो अरमान संभाल लेंगे, बच्चे हैं ना घर पे चार। ऐसा ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब तुम लोग बिग बॉस में चले जाओ और मैं और अरमान अरमान से मैं थोड़ा क्लासेस ले लेता हूँ कि कैसे ये यू नो, फिर हम लोग थोड़ा गेड़ी मारेंगे चंडीगढ़ में। एक बार वीडियो कॉल कर लो सर। वीडियो कॉल करूँ? हाँ जी। हाँ। अच्छा एक सेकेंड, हाँ ये लो अभी मैं फेस टाइम दबा रहा हूँ। रामू किधर है? इधर देख जरा, ये 1 2 3। आई नहीं सर, अभी मत रिकॉर्ड करना। हाँ अरे दादा संजय दत्त कहाँ है? अरे पोपट हो गया तुम लोगों का। अरमान अरमान को सब मालूम था। अरमान नाटक मत करो, ब्लॉग भी बना रहे थे हम, तो ब्लॉग बना रहे थे कल, तो भैया हमारा ट्रेंडिंग रहेगा, ये क्या पोपट कर दिया हमारा पायल। अरे पायल आप तो हमें
कैसा लग रहा है पोपट होकर? मैं बिग बॉस में जाऊंगी।